की एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी का मिशन 24 दिल्ली में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। मिशन 24 में बीजेपी जुटी हुई है। पिछले दो दिनों से लगातार खबर आ रही है कि कैसे उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है और पदाधिकारियों के साथ दो दिन चली मीटिंग में बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने पर जोर दिया है। मैनेजमेंट पर, बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसे लेकर के फोकस जो था वो इस पूरी मीटिंग का था। उच्च स्तरीय बैठक दो दिन से चल रही थी दिल्ली में और ये बैठक अब खत्म हो गई है। 2024 की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है और खासकर बूथ मैनेजमेंट पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट ही बीजेपी की वो रणनीति रही है जिसके तहत अभी तीन बड़े राज्यों में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान फोकस किया जा रहा है, सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर लगाया जा रहा है। पदाधिकारियों के साथ दो दिन तक चली मीटिंग खत्म हो गई है और इस मीटिंग में 2024 की रणनीति जो है उसे तैयार करने की कोशिश की गई है और बूथ मैनेजमेंट जो है वो इसके केंद्र में रहा। बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया है। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट का ये वो फॉर्मूला है जिसे सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा बीजेपी मानती आई है। और हमारे संवाददाता पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, मीटिंग तो खत्म हो गई है, बूथ मैनेजमेंट पर जोर देने की बात सामने आ रही है। बूथ मैनेजमेंट बीजेपी की रणनीति का वो हिस्सा रहा है जिसने उसे लगातार कई चुनावों में लगातार जीत दिलाई है और इसी पर फोकस करते हुए इस मीटिंग में तमाम बड़े नेता दिखाई दिए। देखिए, जैसे कि कल की जब पहले दिन की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि इस वाले जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें पार्टी का जो वोट परसेंट है 10% बढ़ाना है। यानी कि पिछले जो लोकसभा चुनाव था उसमें तकरीबन 37.5% जो वोट था वो बीजेपी को मिला था। इस वाले अगर 10% उसमें लोग तकरीबन 50% वोट शेयर पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है और उसी को लेकर लगातार बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट की बात हो या नए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की बात हो या जो पुराने मतदाता हैं उनको लगातार सरकार की योजनाओं के तहत उनको जानकारी देकर सरकार की योजनाओं का जो लाभार्थी हैं उनको जोड़ने की बात हो। तो अगर आज की अगर बैठक की बात करें तो उसमें लगातार जो गृहमंत्री अमित शाह है उनका पूरा ध्यान जो था वो नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने को लेकर था। उन्होंने कहा कि जो नए मतदाता हैं उनको नहीं पता है कि पिछली और इसकी सरकार में बहुत क्या अंतर रहा, तो आप जाइए नए मतदाताओं को बताइए कि एनडीए और यूपीए की सरकार में क्या फर्क रहा, जो 2004 से 14 तक की जो यूपीए की सरकार थी उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए, जो 14 से लेके अब तक की जो सरकार है उसने किस तरह से युवाओं के लिए काम किया, किस तरह से गरीब वर्ग के लिए काम किया, तो उसको लेकर लगातार पार्टी जो है पूरे देश भर के अंदर नव मतदाता सम्मेलनों का आयोजन करेगी। उसके उन सम्मेलनों का जो है प्रधानमंत्री भी उन सम्मेलनों को संबोधित कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बताएं तो तमाम जो अन्य जो सम्मेलन है पार्टी जो है विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करेगी। बूथ मैनेजमेंट को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है उनको ये निर्देश दिया जाएगा कि वो अपने अपने बूथ पर लगातार जो जनता जो आपके रहते हैं मतदाता जो रहते हैं उनके साथ लगातार संवाद स्थापित करके रखें, उनको लगातार पार्टी और सरकार के द्वारा किए गए कामों की लगातार जानकारी दें। खासकर अगर राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर को लेकर भी चर्चा हुई, जिस तरह से सरकार ने किस तरह से वहां काम कर रही है, विकास किया जा रहा है अयोध्या का, उसके साथ साथ किस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर के पूरे मुद्दे को चलाया और उसके बाद में कोर्ट के फैसले के बाद में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये भी जानकारी लगातार जनता के बीच में पहुंचानी है, लगातार प्रचारित करना है, कार्यक्रमों में भी शामिल होना है। जो 22 तारीख को भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो अयोध्या में होना है उसको लेकर जो पूरे देश भर में संघ और वीएचपी जो कार्यक्रम करेंगे उन कार्यक्रमों में भी शामिल होना है। उसके साथ साथ जनता का वो बताना भी है किस तरह से राम मंदिर को रोकने के लिए जो विपक्ष ने तमाम अपनी रणनीति कही थी, तमाम षड्यंत्र रचे थे। आपको याद होगा कांग्रेस ने लगातार ये कोर्ट में ये कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है, कई सारे प्रयास किए गए थे, तो ये सारी बातें विपक्ष की जो है वो जनता के बीच में बीजेपी जाके बताएगी। जी जी पवन, यानी जो बात मोटे तौर पर समझ आती है वो एक तो ये कि बीजेपी जो है एनडीए जो है ओवरऑल देखा जाए तो वो विपक्ष से एक कदम आगे है और अब यूथ बूथ और विकास के सबूत देकर युवाओं के बीच और तमाम मतदाताओं के बीच पहुंचने की कोशिश बीजेपी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो सदियों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई और राम मंदिर बनकर तैयार है। अब बस लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे और वहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान रामलला की अलौकिक मूर्ति को देख भक्त भाव विभोर हो उठेंगे। इसलिए देश के तीन सबसे होनहार मूर्तिकारों को रामलला की भव्य मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है।
मनमोहक होगी रामलला की मूर्ति। निहारते ही भाव विभोर हो जाएंगे भक्त। भक्तों में बड़ी रामलला को देखने की बेचैनी। 5 साल के रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। बाईस जनवरी का दिन अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि देश दुनिया में मौजूद हर राम भक्त के लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि इसी दिन सदियों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम वापस अपने मंदिर पहुंचेंगे और ये ऐतिहासिक पल उस वक्त और भी भव्य हो जाएगा जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति को भक्त निहारेंगे। कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति इतनी भव्य और अलौकिक होगी कि उन्हें देखते ही भक्त भाव विभोर हो उठेंगे। रामलला की मूर्ति का काम देश के 3 बड़े मूर्तिकारों को सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मूर्तिकारों को 5 साल के बालक की कोमलता को रामलला की मूर्ति में उकेरने का जिम्मा सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक तीनों मूर्तिकारों में जो भी इस काम को बखूबी निभाएगा उसी की रामलला की मूर्ति को 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा जाएगा और मूर्ति का चयन भी जनवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया इसका निर्णय कर लेंगे। उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया जाए। राम मंदिर में सिर्फ रामलला की मूर्ति ही मोहक नहीं होगी बल्कि मंदिर का एक एक कोना भव्य होगा, इसलिए मंदिर परिसर को भी सजाने का काम जोरों पर चल रहा है। मंदिर परिसर में ही एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसे राम कथा कुंज कॉरिडोर नाम दिया जाएगा। राम भक्तों को इस कॉरिडोर में भगवान राम का पुत्रेष्ठ यज्ञ से राम राज्य अभिषेक तक के प्रसंग मूर्तियों के जरिए देखने को मिलेंगे। इस कॉरिडोर में भगवान राम से जुड़े कुल 108 प्रसंगों को दिखाया जाएगा। इसमें भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर सरयू में गुप्त होने तक के सभी प्रमुख प्रसंग होंगे। कॉरिडोर में इन प्रसंगों से जुड़ी 125 से ज्यादा प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और हर प्रसंग से जुड़ी औसतन 6 मूर्तियां होंगी जिनमें उन्हीं प्रसंग के अनुरूप छवियों को उकेरा गया है। ज्यादातर प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियों का निर्माण पूरा हो चुका है और अब उन्हें रंगों से सजाया जाना बाकी है, जिसके बाद इन मोहक मूर्तियों के जरिए राम भक्त अपने आराध्य के जीवन प्रसंगों को जान सकेंगे। ये पुत्रष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक मूर्तियों निर्माण करना है जो मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हम अकेले ही बनाना शुरू किया था इसका। चंपत जी उन लोगों ने, मैंने चंपत जी ने इनकी किताब छोटा मोटा दिए थे जिसमें चित्रों में हल्का फुल्का दिखाई देता है, छोटा मोटा चित्र, जिसके द्वारा हमने जो है चेहरा हो बा इसका मोल्डिंग का भी काम नहीं किया, मैंने अपने मन से चेहरा और ये सब देने का प्रयास किया हूँ। मैं हाथ से ही चेहरा और बॉडी कोडुलेशन टोटल किए हैं और ये मंदिर जो है मंदिर के प्रांगण में जो हमने सुने हैं मंदिर के प्रांगण में जो एक रामकथा कुंज के नाम से एक कॉरिडोर बनेगा जिसमें मूर्तियाँ लगाया जाने का योजना। राम सेवक पुरम में बनाए जा रहे राम कथा कुंज कॉरिडोर का सपना मंदिर आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी अशोक सिंघल ने देखा था। उन्होंने 1990 में अधिग्रहित परिसर की 42 एकड़ जमीन पर ही राम कुंज विकसित करने की योजना बनाई थी। राम सेवक पुरम में बने इस कॉरिडोर में 2013 से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर में राम जन्म, बाल लीला, वशिष्ठ के आश्रम में विद्याध्ययन, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, ताड़का सुबाहुवध, सीता जन्म, अहिल्या उद्धार,
सीता स्वयंवर, वनवास के प्रसंगों को आकार दिया जा चुका है। राम कथा कुंज कॉरिडोर का काम भी अंतिम चरण में है, जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ उसके आसपास भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को दिखाने के लिए कई भव्य निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे अयोध्या आने वाले राम भक्तों को राजा राम के जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी मिल सकेगी। तो 22 जनवरी को भक्तों का इंतजार खत्म हो रहा है और रामलला के स्वागत में पूरा देश जुटा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन राज्य भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश 36।